हसीना राम, तुमने हमारा नया काम शुरू करवा दिया। अरे मेरे कहने पे तुमने ये ऑटो चलाने का काम शुरू किया है। ऑल द बेस्ट, देखना तुम कितना पैसा कमाएगा। घसीटा राम, आज के दिन तुम भी हमारे साथ रहो। हम इस बिजनेस में बिल्कुल नए हैं, हमें कुछ नहीं पता। अरे तुम्हारे कहने पे ही तो हमने ये ऑटो खरीदा है। ऑटो चलाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। चलो आज हम साथ साथ रहेंगे। सॉरी, ओह सॉरी सॉरी, ओह सॉरी सॉरी। कमाल है, सब लोग सॉरी सॉरी बोल के क्यों जा रहे हैं? आखिर बात क्या है? आई एम सॉरी। अरे क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है, बात क्या है? रिक्शे में बैठ क्यों रहे? हाँ अरे अंदर दो सवारी पहले ही बैठे हैं। ओहो पतलू घसीटा राम, तुम लोग बाहर आके खड़े रहो। आइए सर, आइए, प्लीज बैठिए। फूल चौक चलो। चलो फूल चौक ही चलते हैं। क्या हो गया? क्या हुआ? पता नहीं, थोड़ा सा धक्का लगाओ, शायद स्टार्ट हो जाए। अरे लगाओ ना। और जोर से, और थोड़ा। कब तक धक्का लगवाओगे? ऑटो में पेट्रोल है भी या नहीं? सॉरी सॉरी, पेट्रोल तो मैं डलवाना ही भूल गया। तुमको रिक्शा वाला किसने बना दिया? उड़ी बाबा, तुम लोगों के चक्कर में मैं क्यों मार खा रहा हूँ? मैं भी जा रहा हूँ। जल्दी बताओ वरना आज तेरी हड्डी पसली का सूरमा बना देंगे। मैं बताता हूँ, वो उस ऑटो रिक्शा में छुपा दिए हैं। अरे कालिया चोर तो फिर भाग गया, लेकिन हीरे तो मिल गए। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? तुम लोग ठीक तो हो? अरे ये हमारी सीट क्यों निकाल दी? कानून के काम में दखल मत दो, हम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हैं। अरे ये हमारा नया रिक्शा है, बता दो तो ऐसा क्यों कर रहे हो? काना चुप रहो, कानून के काम में दखल दिया तो जेल भेज दूंगा। हम चुप नहीं रहेंगे। अरे तुम हमारा रिक्शा तोड़ फोड़ कर रहे हो और हम चुप रहेंगे? हरगिज नहीं। हाँ हाँ, हम चुप नहीं रहेंगे। इन लोगों को तो जेल ले चलो। हम चुप रहेंगे। लगता है उस चोर को पकड़ेंगे तभी पता चलेगा कि उसने कहाँ हीरे छुपाए हैं। सर सर, अगर कानून के काम में दखल ना हो तो हम अपने टूटे फूटे स्कूटर को घर ले जाए। ले जाओ, और याद रहे कानून के काम में कभी दखल मत देना। ओके सर। क्यों कालिया, कैसे हो? सुना है कल कुछ हीरे चुरा के भागे हो? किसने कहा? अरे किसी ने गलत खबर फैलाई है बंटी भाई। अरे ओ कालिया, कौन सा हलवाई क्या मिठाई पका रहा है वो बंटी बर्फी हवा सूंघ के पता लगा लेता है, क्यों पिंटू पेड़ा? ओ कालिया, ज्यादा चालाक बनोगे तो पिंटू पेड़ा तुझे टेढ़ा मेढ़ा करके तेरा ही पेड़ा बना देगा, समझा क्या? चल मुंह मीठा कर और बता हीरे कहाँ हैं। वो मैंने हीरे चुराए थे पिंटू पेड़ा भाई, लेकिन इंटेलिजेंस वाले पीछे पड़े थे इसलिए मैंने वो हीरे एक ऑटो में छिपा दिए। उसी ऑटो वाले को तो ढूंढ रहा हूँ। वो देखो, वो रहा, मैंने उसी ऑटो में हीरे छुपाए। इंटेलिजेंस वाले, मैं तो चला।
इंटेलिजेंस वालों के वापस आने से पहले ऑटो वाले को पेड़ा खिलाओ और हीरे पन्ने निकालो। हाँ बंटी बर्फी, पेड़े के साथ साथ बर्फी भी खिला देते हैं। आखिर हीरो का सवाल है। ये लो मुंह मीठा करो और साइड में खड़े हो जाओ। आँख कान खुले रख और मुंह बंद रखना, समझे? अरे ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ प्लीज। बताओ तो हमसे क्या दुश्मनी है? पिंटू पेड़ा ने जब बोला ना कि बोलने का नहीं तो बोलने का नहीं, अभी बोला ना तो खलास, समझा क्या? लगता है कालिया हमको टोपी पहना गया, लेकिन जाएगा किधर? घूम फिर के आएगा इधर ही। अरे कोई हमें बताएगा ये सब क्या हो रहा है? कल कानून वाले ऑटो तोड़ गए और आज गैर कानूनी लोग ऑटो तोड़ गए, हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? अरे क्या कह रहे हो, कुछ बताओ तो। पिंटू पेड़ा ने जब कहा कि बोलना नहीं तो बोलना नहीं, समझे? अरे ओ फटे दूध की मलाई, चल मुँह खोल। अरे मुँह खोल। बुड़ी बाबा, ये ऑटो को क्या हो गया? अरे तुमने किस बिजनेस में हमें फंसा दिया घसीटाराम? कोई कानून की धमकी देकर ऑटो चीर फाड़ जाता है तो कोई मिठाई खिला खिला के ऑटो को चीर फाड़ जाता है। अरे समझ नहीं आ रहा कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो देखो वही ऑटो है, उसी के पेट्रोल टैंक में तो मैंने हीरे छुपाए हैं। वो देखो वो फिर हमारे ऑटो की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अब मैं किसी को हाथ तक लगाना नहीं दूंगा। चलो सब ऑटो को पकड़ के पीछे खिसकते हुए आ रहे हैं। मुझे बिना शीरे का रसगुल्ला बोला था, अभी उनकी चाशनी बनाता हूँ। सर सर, आपकी मदद की बहुत जरूरत है, कुछ देर के लिए आपकी मोबाइल ले लें। पुलिस तो होती ही है दूसरों की मदद करने के लिए, ले जाओ बाइक, लेकिन जल्दी वापस करना। हेलो चिंगम सर, कुछ गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं, हेल्प। लगता है ये लोग ही मोटी पतलू को पीछा कर रहे होंगे। स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। रबड़ी बना दूंगा। अरे बिना काजू के काजू कतरी, मेरी शॉटगन को फेंका। अच्छा काम किया है।
अरे हमें भी नहीं पता, आप ही पूछो, ये सब मेरे ही ऑटो के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने ये हीरे इनके ऑटो में छिपा दिए थे, सब इसी को ढूंढ रहे थे। मोटू पतलू, तुम्हारी वजह से हीरो का चोर पकड़ा गया, मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाऊंगा।